अच्छा जी, ये पॉकेट चिकन के लिए मैं चिकन की कटिंग करने लगूँगी। मेरे पास ब्रश पीस थे, इसकी मैंने हड्डी निकाल ली है और मैं इसकी कटिंग करूँगी कुछ यूँ। ऐसे मैंने पहले स्लाइस कर लेने इसके पतले पतले से, और फिर मैं करूँगी इसकी चकोर छोटे छोटे पीस करूँगी मैं इसके यूँ। इसको आपने फ्रीजर में जमा लेना है पहले, बड़ी आसानी से इसकी कटिंग होगी। ये देखें इसके बहुत अच्छे पीस हो जाते हैं आराम से। मैंने कर ली है जी, और मैंने अब इसे करना है मैरिनेट करना है, और इसमें मैं डालूंगी सब्ज़ मिर्च 1 टीस्पून, दही क्या जी ये तकरीबन हाफ छोटा कप है, बड़ा कप हाफ है और छोटा 1 कप है, और ये मैं डालूंगी इसमें तकरीबन हाफ टीस्पून से कम डालूंगी मैं नमक, और इतनी ही मैं डालूंगी काली मिर्च, और इसको करूंगी मैं अच्छी तरह मिक्स। इसमें हम डालेंगे चिकन और इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 1 दिन के लिए रख दें, 1 घंटे के लिए रख दें, 2 घंटे के लिए रख दें, इसका कोई मसला नहीं है। इसको मैंने ऐसे मैरिनेट कर दिया है और ये बहुत ज़बरदस्त डिश बनती है। अगर आपके पास चिकन कम है तो ये बहुत सारी डिश अच्छी है और ज़बरदस्त डिसेंट डिश बनने वाली है। अच्छा जी, ये मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने निकाल लिया है, ये हमारा अच्छी तरह हो गया है, मैरिनेट हो गया है चिकन हमारा, और इसके लिए हमें चाहिए बटर पेपर, और ये बटर पेपर के मैंने छोटा बटर पेपर था मेरे पास, मैंने 1 के 2 पीस कर दिए इतने इतने, और इसके हम बनाएंगे पॉकेट। और इसके लिए हमें चाहिए होगी ये अंडे की सफेदी, इसके नीचे हम कोई चीज़ रखेंगे, कोई भी चीज़ आप रख लें ताकि ये सफेदी दूसरी तरफ ना लगे। अच्छा जी, ये मैंने 2 कर लिया, अब मैं इसके अंदर रखूँगी यूँ ये चीज़, और इसको मैं रखूँगी ऐसे यूँ, और इसको रखूँगी मैं ऐसे। इसका हम बनाएंगे जी पॉकेट, और इसकी हम डालेंगे क्रीज डालेंगे हम यूँ ये, और इसके ऊपर किनारा इसके ऊपर करेंगे इस तरह, ठीक है। ऐसे हम क्रीज डाल ली हमने, और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे जी सफ़ेदी, बिल्कुल हल्की हल्की से लगानी है हमने, ज़्यादा नहीं। अब मैं थोड़ा सा आगे कर लूँगी, और ये देखें इसको मैंने, ये बहुत ज़बरदस्त डिश बनती है, थोड़े से चिकन से इतनी VIP किस्म की डिश बनती है, और देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी खूबसूरत। इस तरह मैंने इसको हाथों से दबा लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे जी हम इसको थोड़ी सी कटिंग करेंगे यूँ, और थोड़ी सी कटिंग करेंगे यूँ, और इसको हम थोड़ा से इतना 1/2 इंच के करीब हम इसको निकाल लेंगे ये इधर से, ये हो गया। और अब करेंगे हम इधर से कटिंग, इधर से भी हम करेंगे, थोड़ी ज़्यादा कटिंग करेंगे, ऊपर वाले हिस्से की करनी है हमने जिधर जोड़ लगाया हमने, ठीक है। इधर से यूँ और इधर से यूँ, ये दोनों साइडों पे मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ा है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये होगी कटिंग अंदर वाली, और बाहर वाली कटिंग हम ऐसे करेंगे जैसे वो लेटर डालने वाला होता है पॉकेट वो, ठीक है। इसको हमने ऐसे नोकदार कटिंग करेंगे, ये देखें, ये देखें जी, ये हमारा आएगा इस तरह, हम डाल के इसमें चिकन इस तरह हम इसको टर्न करके इसको सफेदी लगा देंगे, ठीक है। इसको तो हम लगाएंगे अभी, इसको मैं ऐसे हाथ में पकड़ लूँगी ताकि नीचे वाले हिस्से को ना लगे, वो आपस में जुड़ जाता है फिर। ये देखें ऐसे अच्छी तरह लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा करके रख दूँगी ऐसे, ये नहीं जाएगा इसमें। अब मैंने इसको ऐसे करके हाथ से अच्छी तरह क्रीज बैठा देनी है, और इसको अच्छी तरह मैंने दबा देना, ठीक है। दबा के साथ ही मैं साफ हाथ को इसके अंदर ऐसे खोल दूँगी। अब ये सूखेगा तब हम इसको करेंगे, ठीक है। इस तरह मैंने सारे पॉकेट बना लिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब जो चिकन मैंने मैरिनेट किया है उसको मैंने हल्की आँच पे दम पे गलाना है, इसको मैंने पूरा नहीं गलाना, ना मैंने इसमें पानी डालना है, जस्ट मैंने इसका जो दही है मैंने डाला था इसका पानी मैंने खुशक करना है। हाफ ये यहाँ गलेगा और हाफ ये तलाई में गलेगा जब हम इसे फ्राई करेंगे, और मैंने इसके ढक्कन देख के दम वाली आँच पे इसको तकरीबन 10-12 मिनट लगेंगे इसको, और मैंने इसका दही जो है इसका खुशक करना है, ठीक है।
अच्छा जी, ये मैंने फाइल पेपर लिया, छोटी सी पट्टी मैंने कटिंग किया और ये है मेरे पास, वो स्टिक है मेरे पास। और मैं क्या करूँगी अब इसको, मैं इसको खूबसूरती के लिए थोड़ा सा मैं फाइल पेपर इसको इसके ऊपर ऐसे रोल करूँगी, ये बड़े आराम से हो जाता है। और इसके ऊपर बाद में आपने ऐसे कर देना और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गया, ठीक है। इसी तरह मैंने सारी स्टिकें कर लेनी। ये मैंने छोटे पॉकेट बनाए हैं, ये वाले छोटे हैं और ये बड़े हैं, चार मैंने बड़े बनाए हैं और चार मैंने छोटे बनाए हैं। इतने चिकन से ये बल्कि बच भी जाएगा चिकन, ये आठ हमारे पॉकेट बनेंगे। और प्लीज़ प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मेरा हौसला अफजाई ज़रूर करें। अच्छा जी, ये पॉकेट चिकन फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल हल्की आंच पे गर्म रख दिया है और इधर हमारा ये चिकन जो है वो ठंडा हो गया है। और अब मैं इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये ऐसे डालना है, इसको पूरा नहीं बनना होता, इसको बस थोड़े पीस डालने होते हमने, ये बस हमने इतने पीस डालने हैं। ये देखें इधर इतने पीस हमने ये डाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे यहाँ। और आपने जब आपने ये कोई दावत है, पार्टी है, जब आपने सर्व करने हैं उससे फ़ौरन आपने इसको बनाना है और फ़ौरन ही आपने इसको फ्राई करना है। इसका मतलब ये एक तो ये गर्म हो जाएगी अच्छे से, एक ये आपकी ग्रेसफुल डिश जो है ना वो हो जाएगी जी, बिल्कुल डैडी। ये देखिए इस तरह हमने इसको ऐसे अच्छी तरह सील कर देना बड़े आराम से। और इसकी हमने ये ऐसे हमने इसको ऐसे हमने बैलेंस से बिठा लेना इसको। और अब हम इसे करेंगे फ्राई। अब मैं आपको एक छोटा पैकेट भी बना के दिखाती हूँ। अगर आपके बेबी की दावत है, ओ सालगिरह है, सॉरी, तो ये आप उसमें बना सकती हैं, बच्चे बहुत खुश होंगे छोटे छोटे ये पॉकेट देख के, ठीक है। इसमें भी हमने इतने पीस डालने और इसको हमने ऐसे सील कर देना है, ये लगा के इसको भी हमने ऐसे ही सील करना है बड़े आराम से। इसको हमने ऐसे हाथों के साथ दबा देना अच्छे से और इस तरह हमने ऐसे इसकी पॉकेट हमारी हो गई जी रेडी। ये मैंने आपको दो बना के दिखा दिए हैं। अब हम करेंगे फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे नॉर्मल ऑयल में करना है। ये इस तरह हमने रख देना है इसके अंदर, इसको हमने ऐसे करके बड़े आराम से यूँ रख देने हैं सारे। ये देखें, ठीक है। और प्लीज़ प्लीज़ आप मेरा हौसला अफजाई ज़रूर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचे। अच्छा, ये जब आपका चिकन रेडी हो जाए आपने इसे चेक करना है खा के इसकी नमक मिर्च। इसमें हमने कोई मिर्च नहीं और डालनी, इसलिए कि ये वाइट रहे। अगर हम रेड मिर्च डाल देंगे तो ये पेपर भी रेड रेड हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह यही है कि मैंने सब्ज़ मिर्च और हल्की सी काली मिर्च डाली और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इस तरह हमने हल्की आंच पे करना है फ्राई और इसका चिकन सारा बिल्कुल फेट हो जाएगा। और आपने देखना जब ये गर्म हो गया है तो आपने इसको निकाल देना, ठीक है। जस्ट हमने इसको गर्म करना है क्योंकि चिकन आपका तो वैसे ही गल जाता है। जब आपने 5 मिनट लगाना है टाइम, उसका पानी निकाल देना है, फिर आपने उसको अच्छी तरह खुशक करना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसको जस्ट 3-4 मिनट लगते हैं जी। और ये देखें ये अच्छे से गर्म हो गया है और इसका कलर भी आ गया है। अब हम इसको निकालेंगे सर्व करने के लिए और इसका ऑयल हमने अच्छी तरह निकाल लेना है ऐसे, ताकि कोई अंदर भी चला गया तो वो सारा बाहर आ जाए, ठीक है। चूल्हा करेंगे हम बंद और इस सबको निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे फूल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। अच्छा जी, ये पॉकेट चिकन हमारा हो गया जी रेडी। और अब हम आपको चेक करके बताते हैं। आपने साथ एक छोटी सी कैंची भी रखनी है। ये मैं ऐसे निकाल के इसको, अच्छा जी, अब हम इस करेंगे चेक करेंगे यूँ और इसे लगाएंगे थोड़ी सी कैचअप और यूँ हम इसे बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी और सबको पसंद आने वाली। और आप प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नई से नई डिशें लेके आऊँ। और मैं आपको, और ये नींबू की चटनी है और ये है इमली की चटनी। आप चाहे कैचअप के साथ रख दें, चाहे मायोनीज के साथ रख दें,